मेरी मैट्रिक तालीम है, इससे पहले मैं कम्युनिटी हेल्थ वर्कर थी। सबसे पहले मैं आई यहाँ पे सारे मर्द ही थे, तो मुझे इन्हीं मर्दों ने सिखाया, मुझे ट्रेनिंग दी, कैसे कहा यहाँ पे फ्यूल किया जाता है, कैसे नोजल मोनीटर ये डिस्पेंसर ऑपरेट किया जाता है। सारी चीज़ें मुझे यहीं पे सीखने को मिली हैं और मैंने सीखी हैं और आगे जो मेरे बाद आई हैं उनको सिखाया गया है। मेरे बाद मैं अपनी दोस्त को भी, शबाना कोसर को भी ले आए, मेहरून निसा आई, वो अपनी दोस्त शकीला को भी लेके आई। कस्टमर्स भी खुश होते हैं कि हमारी औरतें भी इतनी हिम्मत वाली हैं जो यहाँ पे आके खड़ी हुई हैं और काम कर रही हैं। काम कर रहे हैं तो धूप और गर्मी तो है ही, और हमारी 8 घंटे की खड़े होने की ड्यूटी है, उसमें हमें रेस्ट वगैरह भी दिया जाता है। हमारा लंच टाइम होता है, नमाज के लिए हमें टाइम दिया जाता है। एक दिन जो होता है वो हमारा बाइकों के नोजल पे होता है और एक दिन जो होता है हमारा गाड़ियों के नोजल पे होता है। मुझे तो ज़्यादा आसान जो है वो बाइक लगती है, क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल डालने के लिए हमें राउंड अबाउट घूमना पड़ता है और बाइक के लिए तो एक ही जगह खड़ा होना पड़ता है, तो मुझे बाइक थोड़ा सा ईजी लगती है। हमारे यहाँ खवातीन को मेल से ज़्यादा पैसे मिलते हैं, तो नॉर्मल सैलरी 25,000 है, इनको ऊपर से हम एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी देते हैं विच इज़ 2,500 रुपीज़। हमारे पास 5 खवातीन काम करती हैं, जिनमें से एक जो है वो डिफरेंटली एबल्ड भी हैं, मतलब वो बोल भी नहीं सकती और सुन भी नहीं सकती, तो उनसे हम साइन लैंग्वेज में के थ्रू बात करते हैं। तो मेन रीज़न था कि वुमेन को एम्पावर करने के लिए हमने ये उनको बेसिकली हायर की थी हमारे खवातीन, और बताना था दुनिया को कि कोई भी काम के लिए खवातीन कम नहीं होती, जो मर्द काम कर सकते हैं वही काम खवातीन भी कर सकती हैं।